ये जी दीवाने आम, यहाँ पे हमारे प्यारे बादशाह सलामत बैठते होते थे और वहाँ उनके कुछ दरबान खड़े होते थे और इस तरह से यहाँ पे एक कचहरी या एक लोग अपनी दरख्वास्त रिक्वेस्ट लेकर आते थे। यहाँ पे आम लोग खड़े होते थे, उनके मसले मसाइल वगैरह जो हल किए जाते थे। दीवाने ख़ास की बैक साइड जहाँ पे बादशाह का वज़ीर जो उनके साथ होता था वो जितने भी मामला तय पाते थे, और ये बैक साइड आ जाती है जो बादशाह जहांगीर गुजरे थे उनके है। उन्होंने मतलब ये इसलिए बनवाया था कि यहाँ पे ये उन्होंने अपने शौकिया तौर पे बनवाया था। राइट साइड और लेफ्ट साइड पे गेस्ट के रहने की जगह बनाई गई थी और दरमियान में ये फाउंटेन बनाया गया है। फाउंटेन बड़ा अच्छे किस्म का बनाया गया, मतलब मेहमानों को मखसूस तौर पर कहा जाए कि मेहमानों के रहने की जगह उन्होंने बनाई थी, मेहमान ख़ास कहा जाए जिसको। जो आप देख रहे हैं वो खड़क सिंह का महल है, जिनका बड़ा मशहूर डायलॉग है, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। इसी वजह से ये दीवारें अभी तक खड़ी हैं, मतलब इनमें सीमेंट इन चीज़ों का यूज़ किया गया है, देख सकते हैं आप। ये है जी शीश महल की एंट्रेंस है। अभी हम आ चुके हैं आठ दरा, मतलब इसके आठ दरवाजे हैं और यहाँ महाराजा रंजीत सिंह जो है अपनी अदालत लगाया करते थे, और ये ऊपर किसी तरह का कोई क्लॉक टावर या वॉच।
मलका ने की बादशाह से फरमाइश कि जी जैसे आजकल की मशहूकें कहती हैं कि जी मुझे चांद सितारे तोड़ के ला के दो, तो उन्होंने की फरमाइश कि जी मुझे चांद सितारों पे चलना है। तो बादशाह थोड़ा सयाना था, समझदार था, लौरिया था, तो फिर उसने एक इंजीनियरिंग की साइंस लड़ाई है आपको दिखाता है। साइंस लड़ाई, उसने जितने भी शीशे के छोटे छोटे नग्स जो हैं इसमें लगा दिए। अब क्या सीन है, इस पर लाइट ऑन करेंगे तो ये सारे चांद सितारे की तरह चमकेंगे। मैं आपको लाइट ऑन करके दिखाता हूँ। आपको फील हो रहा हो शायद, क्योंकि लाइट कम है इस वजह से शायद। अभी लाइट बंद करें, देखा ये। तो ये हमारा आज का टूर था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल लाजम सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।